शांति। आज सद्गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 30 मई 2024 के प्यारे बाबा का सकार महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बहुत प्यार से देही विमानी स्थिति में स्थित हो जाइए, आत्मा बनकर प्यारे बाबा का महावाक्य सुनिए। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पहला पहला निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर परमात्मा बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्यों को सुख शांति नहीं दे सकते हैं। सच्चा सुख शांति का सागर एक बाबा है। बाबा ही सारी दुनिया के मनुष्यात्माओं को सच्चा सुख और शांति दे सकते हैं। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है। तो बहुत सारा उत्तर हो सकता है, आप मनन चिंतन करेंगे तो। सबसे ऊंची मंजिल देही अभिमानी बनना है। सबसे ऊंची मंजिल कहेंगे आत्मा समझकर सामने वाले को आत्मा रूप में देखना, शरीर का भान भूल जाना चाहिए। ये मीठे बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है, एक परमात्मा की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई भी तरफ ना जाए, यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। विकारी ख्यालात, व्यर्थ का ख्यालात, पाप कर्मों का ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, देह को देखना ही नहीं है, आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल है बाबा कह रहे हैं, इसके लिए ही आत्माभिमानी भव। सदा आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए बाबा बोले आत्माभिमानी भव। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति और कृति में रहना है। आत्मिक दृष्टि में स्थित होकर के अपना हरेक कर्म करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले मुख्य पॉइंट बाबा दे रहे हैं, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी बनकर विकारी ख्यालात समाप्त कर देना। मन में जो भी विकारी पूरे संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प, वासना के संकल्प जो भी आते हैं, बाबा कह रहे हैं उसको आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर एक सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी विकार की बदबू ना रहे, पास ना रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, बाबा बोले शरीर के तरफ बिल्कुल ही दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ये सबसे मुख्य पुरुषार्थ कहेंगे, देह के तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दूसरी मुख्य पॉइंट, बेहद का बाप हमें ही पढ़ाते हैं, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। बेहद का पक्का निश्चय क्या हो, स्वयं परमात्मा बाप हमें पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। सदा ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना दे।
माया निश्चय से हमें आत्मा को जरा ना हिलाए। आज का सद्गुरु बाबा का सद्गुरु दिवस पे विशेष वरदान, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, सेवा भाव से सेवा करने। और बाबा कहते हैं दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाले, निर्विघ्न सेवाधारी भव, निर्विघ्न सेवाधारी भव। विस्तार बाबा दे रहे हैं, सेवा भाव सफलता दिलाता है। जितना दिल से सेवा भाव रहेगा उतना सफलता स्वतः ही मिलता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया, मैपन आ गया, तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होगी। मैपन आने से, देहाभिमान आने से ये सब नुकसान है। बाबा कहते हैं सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते रहते हैं। जो बच्चे दूसरों को आगे बढ़ाएंगे वो क्या होगा, सदा उड़ती कला का ज्ञान गुण शक्तियां बाबा हमारी आत्मा में भर रहे हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का कल्याण करता है। तो मीठे प्यारे बाबा बोले दूसरों का भी कल्याण करता है, तो हमें सेवा भाव को, सेवा को सेवा भाव से करना। भगवान का दिया हुआ ये महायज्ञ है, भगवान हमें सेवा का प्रसाद दिए हैं। अब इस प्रसाद को बाबा कहते जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। सबको परिचय देते जाना है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं उमंग उत्साह में रहना, दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं स्वतः ही आगे बढ़ जाएंगे। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी होते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों का पहला स्लोगन याद रखेंगे। इस पुरानी दुनिया का कोई भी चीज़ें आकर्षित हम मुझ आत्मा को ना करें। बाबा कहते हैं आकर्षण ना करें, यही है बाबा कह रहे सूक्ष्म धागों से मुक्त होना। ज्ञानी तो आत्मा वही जो महीन और आकर्षण करने वाली चीज़ों से सदा मुक्त रहते हैं। अच्छा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम गुणा शुक्रिया।